हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल कुछ तो खास है में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेंगे ये 7 वेगन फूड्स यानी कि वेजिटेरियन फूड्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी 7 कौन से ऐसे वेगन फूड्स हैं जो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए डेली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि COVID-19 महामारी की वजह से पिछले साल से अब तक हमारी बातचीत लगभग इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के इर्द गिर्द ही घूम रही है। लोग अपने खान पान पर पहले से कहीं ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं और वो सब उनके शरीर और स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इस बारे में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। यदि आप वेगन फूड फॉलोअर हैं और सोच रहे हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले कौन से स्नैक्स और फूड्स हैं और क्या वो आपकी रसोई में मौजूद हैं, तो मेरे पास आपके सभी सवालों के जवाब हैं। तो 7 ऐसे फूड्स हैं जिन्हें आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए अपनी वेगन डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल। अपने ढेरों स्वास्थ्य संबंधी फायदों की वजह से वर्जिन कोकोनट ऑयल को एक नेचुरली सुपर फूड की तरह देखा जाता है। ये इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने, एनर्जी को बढ़ाने और वजन को संतुलित बनाए रखने में सहायता करता है। कोकोनट ऑयल में पाया जाने वाला मोनोलॉरिन एंटीवायरल एजेंट के रूप में कार्य करता है। कोकोनट ऑयल का उपयोग खाना पकाने, वेगन डेजर्ट बनाने, सलाद की ड्रेसिंग करने और बेसिक सब्जियों को पकाने के लिए किया जाता है। दूसरा है काली मिर्च। मसालों के राजा काली मिर्च में एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। ये न्यूट्रिशन के बायो अवेलेबिलिटी यानी कि जैविक उपलब्धता को बढ़ाते हैं। हल्दी और काली मिर्च एक असाधारण कॉम्बिनेशन है। पिपरिन जो कि काली मिर्च में पाया जाता है, वे हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन के अवशोषण को बढ़ाता है। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। हल्दी एक भारतीय मसाला है जिसका प्रयोग लगभग हर सब्जी और कड़ी में किया जाता है। इसके अलावा हल्दी और गर्म दूध को आम सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए पीते हैं। वेगन फूड फॉलो करने वाले हल्दी को बादाम और सोया मिल्क में मिलाकर पीते हैं। चौथा है लहसुन। लहसुन एक बहुत ही बढ़िया एंटी माइक्रोबल एजेंट है जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाला गुण मौजूद होता है। अधिक लाभ के लिए इसे छोटे टुकड़ों में काटकर कच्चा चबाने की सलाह दी जाती है। इससे आप कोई डिप या चटनी भी बना सकते हैं या आपके आंत तक पहुंचकर उसमें मौजूद हानिकारक कीटाणुओं को भी मारने का काम करता है, जिससे गट हेल्दी बनी रहती है। पांचवा है कलौंजी। इसे प्याज के बीज के रूप में भी जाना जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है और इस वजह से COVID-19 महामारी के दौरान इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। छठा है रात भर भिगोया हुआ और फर्मेंटेड चावल। कुछ टेबल स्पून पकाए हुए सफेद चावल को थोड़ा सा पानी डालें और उसे क्ले या मड पॉट में भिगोकर पूरी रात के लिए छोड़ दें। सुबह के समय चावल को छानकर खाली पेट खाएं। आप इसमें दही, प्याज और हरी मिर्च काटकर मिक्स करके नाश्ते के तौर पर भी खा सकते हैं। ये प्रोबायोटिक और विटामिन B12 का एक अच्छा स्रोत है जिसका वेगन पॉपुलेशन में कमी होती है। नेचुरल प्रोबायोटिक स्रोतों का उपयोग करके आप एक हेल्दी गट पा सकते हैं। इससे आपको विटामिन B12 की कमी करने और एक मजबूत इम्यून सिस्टम पाने में मदद मिलेगी। सातवां है अदरक। अदरक को मुख्य तौर से पाचन में सुधार के लिए जाना जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण मौजूद होते हैं जो एक बेहतरीन इम्यून बूस्टर की तरह काम करते हैं। ये सामान्य सर्दी जुखाम से बचाने का काम करता है। अदरक की चाय गले में खराश और नॉर्मल सर्दी जुखाम को ठीक करने के लिए मशहूर है। वेगन फूड फॉलोअर्स के लिए एक बढ़िया विकल्प है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताए 7 ऐसे वेगन फूड्स जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। तो आपको इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए और कोविड महामारी से आप बीट कर पाए, यानी कि कोविड आपके तक ना पहुंच पाए। तो उम्मीद करती हूं आप सब सुरक्षित हैं अपने अपने घरों पे और सेफ हैं। ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए, उनके तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।